महाराष्ट्र में एक नया खेल शुरू है, छोटा खेल है ये। भारतीय जनता पार्टी ने चंदा दो धंधा लो का 8,000 करोड़ का खेल किया, गोरख धंधा। हम आपको कुछ दे देंगे, उसके बदले में आप हमें कुछ दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यही चोरी पकड़ी है, क्विड प्रो क्यो, ये उनका वर्ड है। 8,000 कोटि का धन जमा किया बीजेपी ने इस माध्यम से। उसमें ऐसी बहुत सी कंपनियां आई थी जिनको टेंडर, ठेके, काम, बड़े बड़े काम दिया और उसके बदले में हजारों करोड़ का चंदा लिया। पीएम केयर फंड भी इस प्रकार से बना है। प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी व्यवहार में पारदर्शिता लाने की बात करते हैं। महाराष्ट्र में उनके जो साथी हैं बहुत ही पारदर्शक है, उनके जो युवराज है जो चुनाव लड़ रहे हैं कल्याण डोंबिवली से, श्रीकांत शिंदे, उनका एक फाउंडेशन है श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन, बहुत ही रहस्यमय तरीके से उनके व्यवहार चल रहे हैं। अब तक 500 करोड़ या 600 करोड़ तक पैसा की उगाही की है, रंगदारी की है। पिताजी मुख्यमंत्री है, वहाँ से बिल्डर, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर सबको फोन जाते हैं और फाउंडेशन के नाम पर पैसा जमा किया जाता है। फाउंडेशन के माध्यम से बहुत से काम किए जाते हैं, एजुकेशनल, मेडिकल, सोशल, कल्चरल, धार्मिक, ऐसे बहुत से काम दिखाए जाते हैं। अगर किसी को गणपति के उत्सव में गांव में जाना है तो 1,000 बसें दिए जाते हैं, उसका पैसा कौन देता है, कहाँ से आता है, उसका हिसाब नहीं है। हमने चैरिटी कमिश्नर, धर्मादाय आयुक्त को एक वकील है सीनियर नितिन सातपुते जी, उसने इन्फॉर्मेशन मांगी कि क्या है व्यवहार, क्या है ऑडिट, किया है नहीं, क्या नहीं किया है, बैलेंस शीट क्या है, इस फाउंडेशन को कौन कौन पैसा देता है। लेकिन धर्मादाय आयुक्त, चैरिटेबल कमिश्नर, चैरिटी कमिश्नर उस बारे में कोई जानकारी देने को तैयार नहीं है। लेकिन हमारे पास जानकारी है, जो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट ये लोगों ने दिए हैं कि हमने उसको फलाना फलाना को 1 करोड़ मदद किया, उनको 50 लाख, उनको 100 लाख, 1 करोड़ों का व्यवहार उस कागज़ पर दिखता है। लेकिन बैलेंस शीट अगर देखे उनकी तो 40 लाख से ऊपर उनका हिसाब नहीं जाता है। तो 1 करोड़ों रुपये है वो किसने भुगतान किया है, किस माध्यम से किया है। जैसे ये लोग जो है बड़े बड़े एंटरटेनमेंट शो करते हैं फाउंडेशन के माध्यम से, और उनके जो कलाकार है उनकी जो रॉयल्टी, उनका मानधन होता है वो भी लाखों लाखों करोड़ रुपया होता है, मैंने देखा है। तो उनको ये पैसा कौन दे रहा है, वो बड़े बड़े पेंडॉल, एसी पेंडॉल्स है, हाँ और भी व्यवस्था है, बड़े बड़े उनका ऑर्केस्ट्रा होता है, बड़े बड़े गायक होते हैं, कलाकार आते हैं, लाखों करोड़ों उनकी विदागी होती है, फिर ये पैसा कहाँ से जाता है, किस माध्यम से जाता है, कहाँ से भुगतान होता है, ये जानकारी धर्मादाय आयुक्त यानी चैरिटेबल ट्रस्ट देने को तैयार नहीं। उसका मतलब है ये सीधा सीधा 2 नंबर का पैसा है।